अस्सलाम वालेकुम, रबे के किचन में आप सबको खुश आमदीद। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग बनाएंगे रबे के किचन में चिकन चाउमीन की रेसिपी। रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बहुत ही अच्छी, घर में हम लोग बना के तैयार करेंगे आज, जो बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बताऊँगी मैं चिकन चाउमीन कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं चिकन चाउमीन बनाने की तरफ। सबसे पहले लेंगे कढ़ाई, यहाँ पर डाल देंगे 2 चम्मच तेल के। चम्मच की मदद से पूरे तेल को कढ़ाई पे घुमा लेंगे। अब यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब डाल देंगे इसमें लहसुन और साथ ही में डाल देंगे अदरक, बारीक चॉप की भी, दोनों भी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन अच्छे से लाल हो चुका है। अब डाल देंगे इसमें गाजर। गाजर को इसलिए पहले डाल देंगे ताकि थोड़ा अच्छे से गल जाए तेल में। तो यहाँ पर हमारी गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब डाल देंगे साथ में सभी चीज़ें, प्याज, गोभी, शिमला मिर्च सब साथ में डाल देंगे। अब यहाँ सभी वेजेस को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें फ्राई किया हुआ चिकन। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर चिकन को मैंने अदरक लहसुन और नमक काली मिर्च डालकर अच्छे से मैरिनेट करके फ्राई कर ली हूँ। इसी तरह से आप लोग भी फ्राई करके इसमें डाल देना। इस तरह से आप लोग भी फ्राई कर लेना। यहाँ पर नूडल्स को मैंने नमक और आधा चम्मच तेल डालकर बॉयल की हूँ अच्छे से। इसी तरह से आप लोग भी कर लेना। फरारे बन के तैयार हुए। इसमें थोड़ा सा हल्का से तेल डालने से नूडल्स छिटकते नहीं। अब इसमें से आपको जितना बनाना है आप लोग इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा फ्रीज करके भी रख सकते हैं 2 से 3 दिन तक। 1 चम्मच डाल देंगे इसमें सिरका। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऊपर से थोड़ी सी डाल देंगे स्प्रिंग अनियन। तो यहाँ पर हमारा चाउमीन नूडल्स बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा और अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। रेस्टोरेंट से भी बहुत ही बेहतरीन बना है घर में। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, मैं आपको प्लेटिंग करके बताती हूँ। देखा आप लोग ने कितने अच्छे से मैंने फटाफट चिकन चाउमीन की रेसिपी बना ली हूँ। इसी तरह आप लोग अपने बच्चों के टिफिन में भी इसको बना के दे सकते हैं और घर में भी आप लोग कोई भी इवेंट में भी बनाकर खा सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो मिलती है कोई और अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।